जय माता दी। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? ऐसा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग पे। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग की 8 बजे और आज है मैया का पहला नवरात्रा, तो चैत्र नवरात्र शुरू हो चुके हैं माता रानी के, तो माता रानी का स्वागत भी हो चुका है। और मैं भी नहा धो के पूजा पाठ करके दिया बत्ती करके बैठी हुई हूँ मंदिर में, तो मैंने सोचा आज यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और माता रानी और मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके घरों में खूब कृपा बरसाए, बस यही मांगते हैं, उनका साथ उनका हाथ जो है हमारे सर पर हमेशा बना रहे, बस उससे मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है। तो और हमारा सर मस्तक जो है उनके चरणों पर हमेशा विराजमान रहेगा, यानी मस्तक झुका रहेगा ताकि वो हमें आशीर्वाद दे। तो बोलो जय माता दी, जय दुर्गा भवानी मैया की। तो पूजा पाठ तो मेरी हो चुकी है और आज लड्डू गोपाल और राधा रानी को भी मैं ऊपर ही ले आई हूँ, क्योंकि अभी मैं पूजा ही कर रही थी, तो पूजा वूजा करा के आज इनको यहाँ पे विराजमान कर दिया है मंदिर में। तो बाकी वो भी मैंने लगा दिया है फल वल का, आप दिन में व्रत रहेगा, बाकी कीर्तन भजन जो भी रहेंगे आपसे वीडियो शेयर करती रहूँगी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद मैं ब्लॉग बनाने का मुझे टाइम मिल रहा है। ऐसे ही हो जाता है यार, बिजी भी रहते हैं ना, भाग दौड़ सभी चीज़ें हुई, तो बस तो मैंने सोचा था नवरात्रों की शुभकामनाओं के साथ साथ मैं ब्लॉग में स्टार्ट कर लूँ। तो बोलो जय माता दी। तो मैं आपको माता रानी के दर्शन करा देती हूँ, बाकी फिर मिलती रहूँगी बीच बीच में, ठीक है? बने रहना ब्लॉग पे। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक या कमेंट जरूर करना यार, आप तो भूल ही गए होंगे। बताना तो मैं भूल ही गई, तो इस नवरात्रों में मैं अपनी माता रानी और कान्हा जी और प्यारी राधा रानी के लिए लाई हूँ चांदी की पायल, जो कि मैंने सबके लिए छोटी छोटी पायल बनाई है। देखो इतने अच्छे घुंघरू बज रहे हैं इनके, तो इस तरीके से मैंने पायल बनाई हुई है उनकी, जो कि बहुत प्यारी है और घुंघरू तो इतने प्यारे बज रहे हैं ना। ये पायल इसलिए पहनाऊंगी ना ताकि मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दे। तो ये मैं माता रानी और हमारे कान्हा जी और राधा रानी के पायल है, तो मैं इनको पहनाऊंगी। तो दोस्तों ये पायल मैं राधा रानी, माता रानी और हमारे कान्हा जी के लिए लाई हूँ, तो इनको मैं उनको पहनाऊंगी। मैंने उनके साइज से बनाए हैं बहुत प्यारे, तो मैंने सोचा नवरात्रों में क्या गिफ्ट करें हम भगवान जी को, कि मतलब मन किया मेरा, तो इस वजह से तो कितने प्यारे बज रहे ऐसे ही। तो चलिए इनको पहनाते हैं और फिर मैं अपना काम वाम भी करती हूँ। तो दोस्तों एक इमोशनल बात बताती हूँ, यानी खुशी की, कि जैसे ही मैंने कान्हा जी और राधा रानी को जो पायल पहनाए और मैया को चढ़ाया, उसके बाद में एकदम से भाव हो गई खुशी से, कि जैसे ही उनके पैरों में मैंने पायल पहनाई और कान में आवाज़ आई ना उनके घूमों की, सच में उनकी एक ही चीज़ में मतलब भगवान की तस्वीर होती है, उनकी एक नज़र ही काफ़ी है। तो बोलो जय जय श्री राधे, राधे श्याम राधे श्याम, जय माता दी। तो चलो चलते हैं दोस्तों, बहुत देर हो गई, कम से कम मुझे यहाँ पे 1-2 घंटा हो गया है बैठे हुए, तो अब जाती हूँ मैं नीचे को, मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से उठने का, तो मैं जाती हूँ अपने कमरे में नीचे, प्रिंस के लिए खाना वाना बनाती हूँ जो रहता है दिन में। कीर्तन भजन रहेंगे आज, तो आपको जरूर मैं वीडियो शेयर करूँगी, कीर्तनों का आनंद आप भी लीजिएगा, बाकी माता रानी की खूब सेवा कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा, क्योंकि वो है तो सब कुछ। बोलो जय माता दी। यहाँ पे बन चुका है प्रिंस का नाश्ता और ये कर रहा है नाश्ता, मैं पी रही हूँ चाय और साथ में चली है टीवी। तो टाइम हो रहा है अभी 10:15, तो मैं थोड़ी देर बैठी हूँ, कोई आने वाले हैं मुझसे मिलने, प्रिंस से मिलने।
तो दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ कीर्तन में जाने के लिए। तो व्रत ही है और काम सारा हो चुका है, तो थोड़ा बहुत भजन कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद जो भी रहेगा आगे मिलती रहूँगी मैं और कीर्तन आपको जरूर सुनाऊँगी। आप सुनिएगा और बताना जरूर कि कैसे लगे माता रानी के कीर्तन। तो मैं जाती हूँ, फिर लोग इंतजार कर रहे होंगे वहाँ पर, जो भी रहेगा मैं वीडियो जितना बना पाऊँगी आपको जरूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो बोलो जय माता दी, जय माँ दुर्गा भवानी, राधे राधे।